टाइम हो चुका है 4:25 और अभी चलते हैं मस्जिद। मस्जिद चल के नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मस्जिद मस्जिद जा के नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मस्जिद फिजान मुस्तफा में ईद उल फितर की नमाज ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। अगर सफाई वगैरह मैंने कर दी है मस्जिद की, क्योंकि ईद पढ़नी है, तो इसलिए मैंने जो है वो सफाई अच्छे तरीके से कर दी है। ईद की नमाज़ का टाइम होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा रहता है, तो अभी हम तैयारी करेंगे, नहाएंगे, तो नहाने के बाद फिर ईद नमाज़ पढ़ेंगे और ईद नमाज के सीन भी आपसे शेयर करेंगे। आप मैं ना ईद के लिए तैयार हो चुका हूँ, तैयारी कर ली है, अभी चलती है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपको सीन दिखाते हैं मस्जिद में चल के। हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ हैं। अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? बस मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक, खैर मुबारक। बड़ों से सुना है, अब बड़ों का इंतजार करते हुए देखा हम भी इसी तरह खुशियां मनाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमको इस फितर का दिन, जैसा कि आपको मालूम है आज ईद उल फितर का दिन है, सब लोग गुलाम के बाद किरात से किरात बाद रुकू सुजूद एक रकात मुकम्मल किया, दूसरी रकात उसके बाद पहले फिर किरात से किरात बाद। फाइनली व्यूअर्स, हमने ना ईद की नमाज़ पढ़ ली है। प्यार गैर में बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और पाकिस्तान में मौजूद सब भाइयों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक।